तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बहुत। कितना बहुत? थोड़ा बहुत। ये भगवान क्या दिनों में जा रहा है भैया, मैं तो टूट गया। सुनो, ये हिप्नोटाइज करना क्या होता है? किसी को कंट्रोल करके अपनी मर्जी के काम करवाना। चल झूठी, उसे तो शादी बोल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुनो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए इतने मस्त कपड़े लिए कि बस पूछो मत। हाँ सच में, ला फिर दिखाओ जल्दी। हाँ रुको, अभी पहन के आता हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। मैं पहला लड़का हूँ ना जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई है। ऑफ कोर्स यार, पर तुम सभी लड़के एक ही सवाल क्यों करते हो? क्या मतलब? लो तुम भी खाओ बिस्किट। नहीं मैं ये नहीं खा रही, कुत्ते खाते हैं। अरे नहीं नहीं कुत्ते भी खा लेती हैं। कल बाजार में चार लड़कियां मेरी तरफ देख रही थी। तुमको कैसे पता चला? क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा था। चारों तरफ छोड़ो, अब इस तरफ तो देखो। बात हमको समझ में नहीं आती भाई, ये लव मैरिज में इतना बवाल कहां से होता है? हैं, जब घर वाले शादी खोजते हैं तो बताते हैं जोड़ा ऊपर से बन के आता है। अब वही जोड़ा अगर कोई अपने मन से खोज ले तो घर वाले ही सबसे बड़ा रोड़ा बनते हैं। ये बताओ, तुम खोजो तो जोड़ा ऊपर से बन के आए, हम खोजे तो खजूर पेट का था। ओए होए, कहाँ जा रही हो मेरी रसमलाई? नौकरानी जैसा काम करके आराम करने जा रही हूँ, मेरे काले गुलाब जामुन। सुनो, ये क्या मंगल ग्रह पे जीवन संभव है? अरे पता नहीं यार, यहाँ धरती पे नहीं संभव लग रहा। दोस्तों, एक हफ्ते से मैं सवाल का जवाब ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि आप ही लोगों से पूछ लेती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें आशिक की उम्र बताइए। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्या उम्र होगी इस आशिक की? ये लो, हो गया तुम्हारा कुर्ता प्रेस। ये वाला कुर्ता कहा था मैंने? हाँ तुमने तो कहा था ब्लू कुर्ता प्रेस कर दो। मैंने नेवी ब्लू कहा था, रॉयल ब्लू नहीं। कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग आजकल, हर टाइम खोए खोए से ही रहते हो। मुझे तो लगता है दिमाग से मायूस हो गए हो तुम। सॉरी गलती हो गई, मैं तुम्हारा दूसरा कुर्ता प्रेस करके लाता हूँ। सुनो। हाँ? मैंने तुम्हारे अंदर एक चीज नोटिस की है। क्या? मैं तुम पर इतना चिल्लाती रहती हूँ, पूरा दिन तुम्हें डांटती रहती हूँ, पर फिर भी तुम हर बात का मुस्कुराकर जवाब देते हो। इतना पेशेंस, सब्र कहाँ से आया है तुम्हारे अंदर? अरे वो ऐसे ही। अरे मुझे बताओ तो। दरअसल शादी से पहले मैं 10 साल तक साड़ी के शोरूम पे काम करता था, तो तुम्हारी जैसी 75 आती थी मेरा दिमाग खाने।